फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि हम सीए कैसे बने। मैं आपको बताऊंगा कि सीए का मतलब क्या होता है, सीए बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्या क्या है, सीए का कोर्स करने के लिए कितनी ड्यूरेशन चाहिए, कितनी स्टेजेज में कंप्लीट होता है, और ये भी क्लियर करूंगा कि कौन से स्ट्रीम के लोग पेपर दे सकते हैं। तो इन सभी पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहे, क्योंकि हम स्टूडेंट के लिए वीडियो बनाते रहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि सीए का फुल फॉर्म क्या है। सीए का फुल फॉर्म है चार्टर्ड अकाउंटेंट, और सीए का क्या काम होता है ये भी मैं आपको बता दूं। जैसे अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें आपको एक सीए की जरूरत होती है, जो आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है, दूसरा वो आपका बैलेंस शीट बनाता है, आपको फाइनेंशियली गाइड करता है। ये सारा काम सीए का होता है, बड़ी बड़ी कंपनियां सीए को हायर करती हैं। तो ये सीए का काम होता है, यानी कि इसके लिए अब आपको एक कोर्स करना पड़ेगा। वो किस तरीके से, वो अब मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कि सीए कौन सी स्ट्रीम वाले स्टूडेंट कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट सीए कर सकते हैं, चाहे वो आर्ट्स का हो, चाहे वो कॉमर्स का हो, चाहे पीसीएम स्टूडेंट हो, चाहे पीसीबी स्टूडेंट हो, किसी भी स्ट्रीम से हो वो सीए कर सकता है। लेकिन आर्ट्स वाले स्टूडेंट को काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके सब्जेक्ट टोटली डिफरेंट होंगे, उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं प्रेफर यही करूँगा कि अगर आप एक कॉमर्स स्टूडेंट हैं तो सीए करें, और ट्राई करें कि टेंथ में ही डिसाइड कर लें कि आपको किस फील्ड में जाना है। और एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि सीए के लिए आप टेंथ के बाद ही अप्लाई कर सकते हो। हालांकि इसका पेपर जो है वो आप ट्वेल्थ के बाद ही देंगे, लेकिन आप टेंथ में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग पूछेंगे, सर टेंथ में अप्लाई करने का फ़ायदा क्या हुआ जब हमें ट्वेल्थ के बाद ही पेपर देना है। इसका ये फ़ायदा होता है कि अगर आप टेंथ में रजिस्टर कर देते हैं तो जो भी स्टडी मटेरियल होता है वो आपको मिल जाता है, तो आप पढ़ाई कर सकते हो, आप आइडिया ले सकते हो पेपर किस टाइप का आता है, उसके लिए क्या क्या पढ़ना है, वो सारी चीज़ें पहले से आपको क्लियर हो जाएंगी, जो आपकी काफ़ी हेल्प करेंगी जो भी स्टेजेस हैं एंट्रेंस एग्जाम की। तो अब बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी की, यानी कि आप टेंथ में इसको अप्लाई कर सकते हैं, और ट्वेल्थ में आपके परसेंटेज कुछ भी हो कोई मैटर नहीं करता, किसी भी स्ट्रीम से हो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको पहला स्टेज है कि सीपीटी एग्जाम के लिए रजिस्टर करना होगा। सीपीटी का फुल फॉर्म है कॉमन प्रोफेशिएंसी टेस्ट। और मैं आपको ये भी बता दूं कि आपको इसके लिए रजिस्टर कहाँ करना है, तो आपको इसके लिए वेबसाइट पर रजिस्टर करना होता है। उस वेबसाइट का नाम है www.icai.org। और अगर मैं बात करूं ICAI का, तो उसका फुल फॉर्म है द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया। यानी कि आपको सबसे पहले सीपीटी क्लियर करना होगा। इसके लिए सिलेबस की अगर हम बात करें तो इसके टोटल चार पेपर होते हैं। जैसे पहला पेपर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग है, फिर एप्टीट्यूड है, फिर थर्ड लॉ है, उसी में बी पेपर भी होता है थर्ड का इकोनॉमिक्स का, और फोर्थ में भी दो पार्ट में होता है, एक जनरल इंग्लिश और बिजनेस कम्युनिकेशन एंड एथिक्स। तो ये पेपर होते हैं। इनमें एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपका हर एक सब्जेक्ट में 30% आना जरूरी है, और टोटल जो एग्रीगेट होना चाहिए वो आपका 50% होना चाहिए, तभी आप सीपीटी एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। जैसे ही आप सीपीटी को क्लियर कर लेते हैं, उसके लिए सेकेंड स्टेज है कि आप आईपीसीसी के लिए रजिस्टर करें। और आईपीसीसी का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड प्रोफेशन कॉम्पिटेंसी कोर्स। इसमें ग्रुप वाइज पेपर होता है, ग्रुप वन ग्रुप टू, और ये दोनों ही क्वालिफाई करने हैं आपको। ग्रुप वन की बात करें तो टोटल चार पेपर होते हैं, और ग्रुप टू में टोटल थ्री पेपर होते हैं। तो ग्रुप वन में आप देख सकते हो स्क्रीन पे, पहला पेपर है अकाउंटिंग का, दूसरा है बिजनेस लॉ एथिक्स एंड कम्युनिकेशन, थर्ड है कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और फोर्थ है टैक्सेशन। और अगर ग्रुप टू की बात करूँ तो एडवांस अकाउंटिंग, सिक्स पेपर है एडिटिंग एंड एश्योरेंस, सेवन पेपर है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। इसमें भी आपको एक बात ध्यान रखनी है कि 40% हर एक सब्जेक्ट में होना चाहिए, और टोटल 50% एग्रीगेट होना चाहिए। आईपीसीसी एग्जाम के बाद आपको एक ट्रेनिंग करनी होती है, यानी आईटीटी, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग एंड ओरिएंटेशन। ये ट्रेनिंग 5 से 6 दिन की होती है, यानी कि 100 घंटे की ट्रेनिंग होती है। इसमें आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल, ऑफिस प्रोसीजर, बिजनेस एनवायरनमेंट, इन सब के बारे में अच्छे समझाया जाता है। इसके बाद थर्ड स्टेप है कि सीए फाइनल एग्जाम क्लियर करें। तो वो कैसे होगा, जब आप आईपीसीसी क्लियर कर लेंगे, यानी सेकेंड स्टेज क्लियर कर लेंगे, उसके बाद आपको आईपीसीसी क्लियर करने के बाद आपको 3 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करने के लिए अप्लाई करना होगा, जिसे हम आर्टिकलशिप भी कहते हैं। और ये 3 साल की जो आर्टिकलशिप है, उसके 6 महीने पहले ही आप सीए फाइनल एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इस एग्जाम को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया। जैसे ग्रुप वन में हम देखें टोटल 4 पेपर हैं, और ग्रुप टू में भी टोटल 4 पेपर हैं। तो पहला, अगर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो पहला पेपर है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, सेकंड है स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, थर्ड है एडवांस एडिटिंग एंड प्रोफेशनल एथिक्स, फोर्थ है कॉर्पोरेट एंड एलाइड लॉस, और अगर हम ग्रुप टू की बात करें तो एडवांस मैनेजमेंट अकाउंटिंग, सिक्स है इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल एंड ऑडिट,
सेवेंथ है डायरेक्ट टैक्स लॉ, एट्थ है इनडायरेक्ट टैक्स लॉ। जैसे आप फाइनल ईयर के सारे एग्जाम क्लियर कर लेते हैं उसके बाद आपको ICAI कंपनी में अपने आप को रजिस्टर करना होता है एज अ CA और इसके बाद आप CA बन जाते हैं। तो ये सारा प्रोसीजर है CA बनने का। और अगर हम बात करें जॉब की, तो जॉब की बात मैं स्टार्टिंग बता दी कि आप किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में काम भी कर सकते हैं, बाकी आप खुद का भी काम कर सकते हो, क्योंकि मैंने बहुत सारे देखे हैं कि जो CA खुद से बिजनेस स्टार्ट करते हैं और काफ़ी पैसा कमाते हैं। और पैसा आपके ऊपर है, आप जिस तरीके से काम करोगे, जितनी समझ के साथ करोगे, उतना ही ज़्यादा पैसा कमाओगे। और इस फील्ड में काफ़ी पैसा है, तो बहुत से लोग चूज करते हैं इस प्रोफेशन को, तो आप भी चूज कर सकते हैं। यानी कि मैं लास्ट में कंक्लूड करूं तो टोटल 4 स्टेजेस हैं। पहले आपको CPD क्लियर करना है, फिर IPCCC, फिर 3 साल की आर्टिकल से प्लेनी, उसके बाद CA फाइनल एग्जाम देना है। और अगर मैं टेस्ट की बात करूं तो जो CPT एग्जाम है वो जून एंड दिसंबर में होता है, और जो IPCC एग्जाम है वो आपका मई एंड नवंबर में होता है। और एक क्वेश्चन और आता है लोगों के माइंड में कि CPT एग्जाम कितने दिन पहले रजिस्टर करना होगा, तो आपको CPT एग्जाम के लिए 60 दिन पहले रजिस्टर करना होगा और IPCC एग्जाम के लिए 9 महीने पहले रजिस्टर करना होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और अब बात आती है कि CA की टोटल ड्यूरेशन कितनी है, तो टोटल 4.5 ईयर्स लग जाते हैं, यानी 4.5 साल लग जाता है CA करने में। और CA एग्जाम टफ होता है, तो आपको अच्छे से पढ़ाई करनी होगी, मेहनत करनी पड़ेगी, कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है, बस हमें मेहनत करनी होगी। आई होप जो मेरी कोशिश थी आपको समझाने की तो वो आपको क्लियर हुआ होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं, और ये भी बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस पर चाहिए। बाकी आप अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दें। बाकी लास्ट में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप सभी सफल हों। धन्यवाद।